छात्रों, पिछली कक्षा में हमने वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो छात्रों, वाक्य के भेद, इस पर परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है, जरूरी है। तो छात्रों, परीक्षा में वाक्य के भेद, इस पर तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम स्वाध्याय के रूप में जानकारी लेने वाले हैं। तो पहला प्रकार यानी एक तरीका, निम्नलिखित वाक्य के रचना के आधार पर भेद लिखिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित, प्रश्न पहला निम्नलिखित वाक्य के रचना के आधार पर भेद लिखिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न एक अंक के लिए आप लोगों को पूछे जाते हैं। कुल मिलकर वाक्य के भेद पर दो अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाते हैं निम्नलिखित वाक्य के रचना के आधार पर भेद लिखिए। परीक्षा में एक वाक्य दिया जाता है, आप लोगों को रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद पहचान कर लिखना है। तो उदाहरण तौर पर हम देखेंगे, जैसे नंबर एक, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, तो चलो इस प्रकार एक वाक्य दिया जाता है, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो इस वाक्य का भेद पहचान कर लेना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा हमने देखी है, उसके कुछ उदाहरण भी देखे हैं, संयुक्त वाक्य की भी देखे हैं, मिश्र वाक्य की भी देखे। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात। तो चलो ये वाक्य मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्यों है? मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो यह वाक्य मुख्य वाक्य है, प्रधान वाक्य है, इस प्रधान वाक्य पर आशी और बात है, क्या उपवाक्य तैयार हो गए हैं, इसलिए इस वाक्य को क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो छात्रों, परीक्षा में उत्तर लिखते समय उत्तर इस तरह से लिखना है, उत्तर का यह निर्देश, उत्तर यानी मिश्र वाक्य, इस प्रकार उत्तर लिखना है। इस तरह से अगर हमने उत्तर लिखा तो हमें पूर्णांक मिल सकते। दूसरा उदाहरण नंबर दो, मांडवी काफी बड़ी नदी है, मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। छात्रों, इस वाक्य का प्रकार, वाक्य का भेद कौन सा है? तो ध्यान से पढ़िए, यह सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, तीनों में से कौन सा एक प्रकार? तो यहां पर मांडवी काफी बड़ी नदी है एक वाक्य, वर्ष भर पानी से भरी रहती है ये दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को समुचय बोधक अव्ययानुसार तथा किससे जोड़ा है, इसलिए यह वाक्य कौन सा? संयुक्त वाक्य। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर मांडवी काफी बड़ी नदी है एक सरल वाक्य है, वर्ष भर पानी से भरी रहते हैं ये दूसरा सरल वाक्य है। इन दोनों सरल वाक्यों को
समुच्चय बोधक अव्यय तथा इसे जोड़ा है, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य उत्तर के रूप में संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य इस तरह से हमें उत्तर लिखना आवश्यक है। इस प्रकार यह उत्तर लिखने का यह तरीका है। बताना देखिए नंबर तीन, लक्ष्मी के शरीर में
इस वाक्य का अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है यह पहचान कर लेते हैं। जाओ लक्ष्मी का राशि ले आओ, तो छात्रों जाओ और ले आओ, जब इन दो शब्दों को देख दीजिए तो इससे हमें यह पता चलता है हमें किसी की आज्ञा मिल रही है, यानी यह वाक्य कौन सा है, अज्ञात वाक्य उत्तर अज्ञात वाक्य। यह वाक्य पढ़ने के बाद हमें यह बोध होता है आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य को क्या कहा जाता है, अज्ञात वाक्य कहा जाता है। दूसरा उदाहरण नंबर दो, चांदी कहां छिपा कर रखी है, रखी है, तो दूसरा उदाहरण चांदी कहां छिपा कर रखी है, तो इस उदाहरण में एक प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है कहां, तो कहां ये क्या है प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए यह वाक्य कौन सा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद कौन सा हो सकता है, यह प्रश्न सूचक वाक्य उत्तर प्रश्न सूचक वाक्य। तो छात्रों इस प्रकार उत्तर इस तरह से अगर हमने लिखे तो हमें पूर्णांक मिल सकते हैं। अगला उदाहरण, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, तो छात्रों इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, मेरे पास कोई धन नहीं है, तो यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से कौन से भेद का वाक्य, तो इस वाक्य में नहीं है शब्द आ गया, नहीं यह निषेध प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए यह वाक्य कौन सा, वाक्य का भेद कौन सा है, निषेधात्मक वाक्य निषेधात्मक वाक्य। इस तरह से हमें उत्तर लिखना जरूरी है। अगला, काकी उठो भोजन कर लो, बच्चा काकी उठो भोजन कर लो, तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि काकी उठो यानी कोई काकी को प्रार्थना कर रहा है या काकी को कोई आज्ञा दे रहा है, भोजन कर लो आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, इसलिए यह वाक्य कौन सा है, आज्ञार्थक अज्ञार्थक वाक्य। अगला नंबर पांच, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में मिल जाए, कविताओं में मिल जाए, वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में मिल जाए, यानी इस वाक्य में एक शब्द आ रहा है शायद, यानी संदेह प्रकट करने वाला ये शब्द है संदेह, इसलिए इस वाक्य को क्या कहा जाता है, कौन सा वाक्य कहा जाता है, संदेहात्मक वाक्य कहा जाता है, संदेहात्मक वाक्य। तो छात्रों इस प्रकार अर्थ और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पहचाने का एक तरीका है, इस प्रकार ये इस प्रकार का भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, और एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसे भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरा, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
तो देखिए सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। प्रश्न तो तीसरा सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन कीजिए तो इस प्रकार यानी एक अंक के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो छात्रों परीक्षा में एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य के सामने एक सूचना दी जाती है, तो इसे भी हमें देखते हैं। देखिए मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। नंबर एक मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। दुर्घटना थी तो इस प्रकार ये वाक्य दिया जाता है और उसके सामने सूचना होती है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। प्रश्नवाचक वाक्य तो इस प्रकार की सूचना होती है, तो इस सूचना का पालन करते हुए इस वाक्य का हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बन सकते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से हैं? कौन, क्यों, क्या, कितना, कैसे, कहां, क्योंकि, आदि, क्यों, कब, ये जो प्रश्न सूचक शब्द है इन प्रश्न सूचक शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है, तब प्रश्न सूचक वाक्य बनता है। तो बनाइए इसका प्रश्न सूचक वाक्य। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? और अंत में फिर छात्र क्या करते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह देना भूल जाते हैं। तो ये प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, तो कभी कभी छात्रों के द्वारा ये भूल होती है कि वे पूर्ण विराम देते हैं, ये गलती कर देते हैं। और ये प्रश्न सूचक वाक्य अगर हमने पूर्ण विराम दिया तो आपको पूर्णांक नहीं मिलते, तो ये प्रश्न सूचक वाक्य है तो यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह देना आवश्यक है। तो ये प्रश्नार्थक चिन्ह इस प्रकार अगर हमने इस तरह का उत्तर लिखा तो हमें पूर्णांक मिल सकते हैं। दूसरा उदाहरण नंबर दो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो सूचना है आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। तो हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, तो आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है, प्रार्थना या आज्ञा का अर्थ होता है। तो कैसे बन सकता है उत्तर, तुम अपना ख्याल रखो, ख्याल रखो इस प्रकार या आज्ञा का बोध किया है, इसलिए ये वाक्य को समझ गए आज्ञार्थक। अगला नंबर तीन, फूल एक एक के घर जाएगा। संदेहवाचक वाक्य बनाना है, संदेहवाचक वाक्य। तो छात्रों संदेहवाचक वाक्य कैसे बनाया जाता है? उत्तर, उत्तर किस तरह संदेहवाचक शब्द कौन सा, शायद, शायद इस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है या भविष्य काल का भी प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर शायद। फूल एक एक के घर जाए, इस तरह से उसके उत्तर लिखना आवश्यक है। अगला
अगला वाक्य देखिए, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। तो यहां पर सूचना दिए निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। तो छात्रों इस वाक्य का निषेधात्मक वाक्य बना रहे हैं, तो निषेध प्रकट करने वाले शब्द कौन से? नहीं, तो बने उत्तर नागर जी के पिताजी पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। तो ये निषेध प्रकट करने वाला शब्द है, निषेधात्मक वाक्य बनाते समय बस उस वाक्य में नहीं इस शब्द का, निषेध प्रकट करने वाले शब्द का उल्लेख करना आवश्यक है। अगला नंबर पांच, यह बात श्याम के तहत नहीं कर रहा हूं। तो चलो इसका विधानार्थक वाक्य बना है, विधानार्थक वाक्य। तो इसका विधानार्थक वाक्य हो, विधानार्थक वाक्य कैसे हो सकता है? उत्तर विधानार्थक वाक्य एक ही उद्देश्य एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया का होता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। तो उत्तर कैसे लिखते हैं? यह बात श्याम के तहत कर रहा हूं, रहा हूं। इस प्रकार यह विधानार्थक वाक्य हो गया। अगला पर्यटन का अपना ही आनंद है, आनंद है। तो सूचना दी है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो छात्रों इसका विस्मयादिबोधक वाक्य बना रहे, तो विस्मयादिबोधक वाक्य की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य से दुख हर्ष शोक घृणा क्रोध भय आदि भाव का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। तो ये वाक्य पर्यटन का अपना ही आनंद है, तो इसका विस्मयादिबोधक वाक्य विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग करना ही। वाह हर्ष प्रकट कर रहा है, पर्यटन का अपना ही आनंद है, आनंद है। तो इस प्रकार यह विस्मयादिबोधक वाक्य बन गए। अगला नंबर सात, अगला उदाहरण देखिए, उन्हें काटते हुए रात काटनी पड़ती है। तो निषेधात्मक वाक्य बना रहे, निषेधात्मक वाक्य यानी निषेध प्रकट करने वाला। तो छात्र निषेध प्रकट करने वाले शब्द कौन से? नहीं, तो उत्तर नहीं।
कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती है। तो ये निषेध प्रकट करना आवश्यक कौन सा है? नहीं। तो नहीं इस शब्द का हमें प्रयोग करना आवश्यक है। अगला चुपचाप पड़े रहने पर मतलब चुपचाप पड़े रहने पर कोई तंग नहीं करेगा करेगा। तो चलो इसका संकेत वाचक वाक्य बनाना है, संकेतार्थक वाक्य बनाना है, संकेतार्थक वाक्य। तो संकेतार्थक वाक्य बनाते समय संकेत यानी संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। तो उत्तर कैसे लिखा जाएगा? चुपचाप पड़ा रहूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला, कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस प्रकार यह संकेतार्थक वाक्य बन रहा है। अगला नंबर 9, मैं कितना निर्दयी हूं, निर्दयी हूं। तो सूचना दिए विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो छात्र इसका विस्मय बोधक वाक्य बना दिए, विस्मयादि बोधक वाक्य। हाँ, मैं कितना निर्दयी हूं, हाय कितना निर्दयी। विस्मय सूचक यानी भाव, उसके भाव प्रकट करने वाला शब्द है हाय। नंबर 10, संत पुरुष, संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते। तो निषेधात्मक वाक्य बनाएंगे, इसका निषेधात्मक वाक्य बनाएंगे। तो निषेध प्रकट करने वाला शब्द कौन सा चलो? नहीं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते। तो इस प्रकार संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते, नहीं है निषेध प्रकट करने वाला शब्द। इस प्रकार छात्रों हमने वाक्य के भेद इस प्रकार इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना आवश्यक है, अगर हम उसमें गलतियां करते तो हमें पूर्ण नहीं मिल सकते। धन्यवाद।